रात के समय निकलते हैं कई लाखों की मात्रा में चमकाकर, जिनकी आवाजें आप लोगों को अभी भी आ रही हैं। उस मंदिर का सबसे प्राचीन भाग, और इसी भाग को बनाया गया था लोधी वंश के शासनकाल में। अंदर का इसका जो व्यू है वो हम लोगों को जैन कलाकृति और हिंदू वास्तुकला को सीधे तौर पर पेश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम के साथ में आ पहुंचा हूं दिल्ली से हरियाणा के सबसे दक्षिणी भाग मेवात में। यहां पर आने का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य, हम लोगों को यहां पर मिला है प्राचीन काल का एक ऐसा डेहरा मंदिर जिसको अक्सर कहा जाता है पांडव कालीन मंदिर। दोस्तों आज हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी तक का ये वाला पॉइंट आप लोगों की नज़रों से बहुत दूर था और ये वाली जो जगह है ये जंगलों के बीहड़ के बिल्कुल बीच में बना है। इसके तीनों चारों तरफ देखने पर हम लोगों को अरावली पर्वत दिखाई देगा और इसी के बीच में तलहटी पर बना है ये डेहरा मंदिर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे का पूरा जो मंदिर है ये वाला, इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था चूने पत्थर के साथ में अरावली पर्वत के मोटे मोटे पत्थरों को। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप इसके नीचे वाले डिज़ाइन को देखिए किस तरीके से इसके बाहरी दीवार को एक सुंदर कलाकृति के साथ में बनाया गया था। दीवारों के अंदर छोटे छोटे आले बनाए गए हैं हर पॉइंट पर। इस तरफ भी सेम इसी प्रकार का डिज़ाइन बनाया गया है और वेंटिलेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लाइटिंग के लिए वहाँ पर दीवारों पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये होल बनाए गए हैं पूरी दीवार के अंदर यहाँ पे। तो दोस्तों ये इसका एक एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट का जो आप ये कलाकृति देख पा रहे हैं ये कलाकृति बेसिक तरीके से हमारे राजपुताना शैली को बहुत सुंदर तरीके से पेश कर रहा है और इसका जो पूरे का पूरा व्यू है वो एकांत में छुपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि मेवात के फिरोजपुर झिरका नामक स्थान पर यह जगह पड़ती है। इसका एग्जैक्ट पॉइंट पड़ता है भोंड, जो गांव का नाम है, वहां पर ये वाली जगह है। अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ और वहां जाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि वो पांडव कालीन जो मंदिर है वो अंदर की तरफ से कैसा हम लोगों को दिखाई देता है। इस डेहरा मंदिर की दीवार पर पहुंचने के बाद में हम लोगों को यहाँ की एक ऐसी अद्भुत कलाकृति दिखाई दी है जो अपने प्राचीन इतिहास को बता रहा है। सबसे पहले हम इनकी इन दीवारों को देखते हैं जो पहले के समय में काफ़ी मोटी बनाई जाती थी। उस समय इस अरावली पर्वत के जो पत्थर थे काफ़ी उबड़ खाबड़ थे, लेकिन उनको भरने के लिए बीच में चूना पत्थर का यहाँ पर जो लेप है वो भरा जाता था। और इसकी जो ये वाली गुंबद है ये देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। किसी समय में ये एक बहुत सुंदर कलाकृति को पेश करती होगी। और सबसे ज़्यादा प्रमुख है इन दीवारों का बाहर निकला हुआ डिज़ाइन। अब देख सकते हैं कि एक पत्थर इस तरीके से रखा गया है और तीन चार पत्थरों को बाहर एक कॉर्नर, एक कोना देकर बाहर निकाला गया है। ये तीन इसके एंट्री पॉइंट है जो यहाँ से हम अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो एक बार हम जाएंगे इसके अंदर की तरफ जहाँ पर हम लोगों को प्राचीन काल की ऐसी इमारतें दिखाई देंगी, उनके ऊपर ऐसी कलाकृति दिखाई देंगी जिन कलाकृति को देखकर आप लोग भी आश्चर्य से कहेंगे कि ये वाला इतिहास अभी तक क्यों हमसे इतना दूर छुपा हुआ था। इसके इस पिछले भाग को देखेंगे जो बिल्कुल बाहर के जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से चीज़ें बनाई गई थी और इन पत्थरों के अंदर कई जगह उभार किया गया है। वो उभार इस चीज़ की कलाकृति को बहुत ज़्यादा सुंदरता से भर रहा है। सामने की तरफ हम लोगों को इस देहरा मंदिर की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलेगी। आइए एक बार पहले हम उसको देख लेते हैं। जिस समय हमारे भारत में लोधी शासनकाल हुआ उसी समय इस जगह की नींव भी रखी गई थी। बात है लगभग 1451 ईस्वी की, जिस समय इस मंदिर को जैन वास्तुकला के ऊपर बनाया गया था। और इसी के साथ में इसका ये सीढ़ियों का फॉर्मेशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर है और सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि एक समय में ज़्यादा ज़्यादा एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। और आप इन सीढ़ियों की ऊंचाई से उस समय के लोगों की हाइट का भी लगभग लगभग आइडिया लगा सकते हैं। यदि हम इस भाग की बात करते हैं तो ये है उस मंदिर का सबसे प्राचीन भाग और इसी भाग को बनाया गया था लोधी वंश के शासनकाल में।
आप लोगों को सबसे पहले हम बाहर का व्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर चार गेट लगे हैं बाहरी इसके रूप में देखने पर, दो गेट काफी चौड़े हैं और जो राइट और लेफ्ट के गेट है ज्यादा चौड़े नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है इसका ऊपर वाला हिस्सा। यदि हम ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर रेड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर के ऊपर तराशे गए कमल पुष्प, और इसी के साथ में ये जो बाहर की तरफ थोड़ा सा मंदिर निकली है इसको तराशना, देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। प्रमुख एंट्री गेट पर हम लोगों को दिखाई देंगे राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में गजराज यानी कि हाथी, जो कि पत्थर को तराश कर इसकी बहुत सुंदर कलाकृति को पेश किया गया था। आप लोग इस मजबूत कलाकृति से एक बात ये समझ सकते हैं कि पहले के समय में जो लोग चूना पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे वो इमारतें कितनी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। अंदर का इसका जो व्यू है वो हम लोगों को जैन कलाकृति और हिंदू वास्तुकला को सीधे तौर पर पेश कर रहा है। ये पूरे का पूरा जो अंदर का व्यू है बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बनाया गया है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर और हमें किस प्रकार से चीज़ों को देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सावधानी, जो यहाँ पर रात के समय निकलते हैं कई लाखों की मात्रा में चमगादड़, जिनकी आवाज़ें आप लोगों को अभी भी आ रही होंगी, तो हमें इन चीजों से भी सावधान रहना है। आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहां पर किस प्रकार से पिलर बनाए गए हैं और किस प्रकार से यहां पर इन पिलर को डिजाइन दिया गया था ऑक्टागनल शेप का। ये देखिए सामने की तरफ बहुत सारे चमगादड़ ही चमगादड़ उस कमरे में हम लोगों को यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वाले ऊपर की जो इसकी आकृति है वो आप देख सकते हैं कि पहले के लोग किस प्रकार से छतों को बनाते थे, उनमें मसाले का चूने पत्थर का उपयोग करके, और दीवारें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग इसलिए थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई के साथ बनाई जाती थी। यदि हम इसके बाहरी पिलर की बात करते तो बाहरी पिलर देख सकते कैसे दो शेड के साथ बनाया गया है और जो इसकी मजबूती को आज पेश कर रहा है। पर इसके पीछे वाले हिस्से में आ चुके हैं जो यहां से भी काफी ज्यादा सुंदर कलाकृति को पेश कर रहा है। सबसे पहले इसके नीचे वाले हिस्से को अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं कि पत्थर को किस तरीके से बाहर निकाल कर एक डिजाइन दिया गया है। जस्ट इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं ये आले जो खिड़की नुमा यहाँ पे बनाए गए थे, इनके ऊपर की मंडेर देखिए आप, प्रत्येक खिड़की के ऊपर की मंडेर कितनी ज़्यादा सुंदर बनाई गई है। और सामने की तरफ जो दीवारों पर आपको बाहरी ईंट निकालकर डिज़ाइन दिया गया है, ये लोदी वंश के समय का एक बहुत प्रमुख डिज़ाइन हुआ करता था जो हमारी हिंदू वास्तुकला को सीधे तौर पर शो करता था। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डिज़ाइन देखने वाली बात है वो है इस खिड़की के जस्ट ऊपर वाला डिज़ाइन। आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर को बाहर निकाला गया है, उसको तराशा गया है, देन उसके ऊपर एक छोटा सा डिज़ाइन और यहाँ पर बनाकर इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। अगर हम इस पूरे के पूरे व्यू को देखते हैं तो ये हमें सीधे तौर पर हमारे उस हिंदू वास्तुकला से जोड़ता है जो हमारे कारीगरों के पास में अपने पूर्वजों से जो इनको चीज़ें मिली थी। ऐसा भी बताया जाता है कि ये वाली जो जगह है ये अपने एकांत में होने की वजह से अपने उस इतिहास को खोती जा रही है जिसको आज हम यहाँ पर दोबारा से जीवित करने के लिए आए हैं। तो जैसे कि आप ये देहरा मंदिर देख रहे हो और ये गार्डन देख रहे हो, ये पट्टियाँ देख रहे हो, ये सब बाद में बनाया गया है और ये दीवारों पर जो बाउंड्रीज हैं ये भी बाद में बनाया गया है ताकि इसकी प्रकृति हमेशा बनी रहे। और हम सरकार से ये कहते हैं अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान और करें तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है। इसके अंदर कुल इस प्रकार के 16 पिलर बनाए गए हैं अंदर वाले हिस्से में और बाहरी हिस्से में 4 और 4 पिलर, 8 पिलर के मदद से इसको मजबूती दी गई है। आप लोगों को ये आवाजें आ रही हैं? ये सारी आवाजें चमगादड़ों की हैं। हम लोगों को अंदर जाने में सच में डर लग रहा है।
ये आवाजें बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये देखिए आप, ये इसकी वो गुंबद है जो कुल मिलाकर बाहर से देखने पर आप लोगों को 5 गुंबदें दिखाई देंगी। और इन दीवारों पे कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है, कुरेदा गया है, ये आप देख सकते हैं। जब हम इसको बाहर की तरफ से देखेंगे तो हम लोगों को 5 गुंबदें दिखाई देंगी। और ये 5 गुंबदें अब काली पड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपनी मजबूती को शो कर रही हैं। सामने की तरफ आप लोगों को एक कक्ष दिखाई देगा और ये ही कक्ष है जहां पर बहुत ज्यादा में चमगादड़ों की आवाज और बदबू भी आ रही है। इनके इन गेटों पे डिजाइन तैयार किया गया है जो जैन कलाकृति को, मंदिरों के डिजाइन को दिखा रहा है, हिंदू वास्तुकला को दिखा रहा है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि यहां पर हमें पता लग सके कि इस प्रकार के भी हमारे पास में ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो हमारी नजरों से अक्सर दूर रहते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए मेरे इस दोस्त ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, और भाई का खुद का यूट्यूब चैनल है फनी बालक के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। भाई के चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई के पेज को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग फिर से आप लोगों के लिए आज एक ऐसा पॉइंट लेकर आए थे जो यूट्यूब के पूरे इतिहास में अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा था। तो दोस्तों, हम अपनी इसी प्रकार की काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो आप अपना प्यार हमारे चैनल पर बना के रखिएगा।